दोराहा पिंड दे गुरुद्वारा दमदमा साहब विखे एक सिख नौजवान गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन दी मंशा लै के गुरुद्वारा साहब विच दाखल होया। उस नूं उत्थे दे रागी सिंघां वल्लों काबू कर लिया गया ते पुलिस दे हवाले किया। रागी सिंघां ने पुलिस नूं दस्सिया कि यह नौजवान उन्हां दे गुरुद्वारा साहब दाखल होया ते उसने आके गुरु महाराज जी दे जिथे सवरूप पए हुंदे हन उत्थे शीशे ते हथ मारिया। इस वल्लों कोई भन्न तोड़ तां नहीं कीती गई पर इह जांदे होए रागी सिंघां नूं जान तों मारन दी धमकी दे के वापस चला गया। यह नौजवान मुड़ फिर तो आया। जद यह फिर दोबारा आया तो रागी सिंघां ने उत्थे बैठी संगत दे सहयोग नाल इन्हां नूं काबू कर लिया अते पुलिस दे हवाले किया। उत्थे ही पुलिस वल्लों इस ते मामला भी दर्ज किया गया। भाई जी अपना नाम की है ते अज दा की मामला सी जिहदे पिछे रोस प्रदर्शन होया ते जिहड़ा इन्नी गहमा गहमी हुई हुण तुसीं संतुष्ट हो जो अज दे मौके ते कारवाई हुई है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरकमल सिंह गटका फेडरेशन प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे निर्देशां हेठ असीं आए सी उरे ते जो सानू अज पता लग्या सी कि उरे कुछ शरारती अंसर ने जिन्हां ने गुरु साहब की बेअदबी करन की कोशिश करी ते साडे प्रशासन ने बड़ा ही तरीके नाल उन्हूं गाइड करके उन्हूं अपने कब्जे दे विच लैके आंदा ते इह जिहड़ा परचा दित्ता भाजी सानू इहदे नाल असीं संतुष्ट वी आ ते असीं इस दिन पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं। अज दराहा विखे एक मामला होया सी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के संबंध में, तो असीं अज हरपाल सिंह जल्ला जी जो कि मैंबर एस जी पी सी ने उन्हां नाल गलबात करांगे कि पूरा मामला है की सी। सर की मामला सी इह जी? अज शाम नूं 5:30 बजे गुरद्वारा दमदमा साहब दराहा पिंड उत्थों दे सरदार बलराज सिंह जी होणी ने साडे रागी सिंह कीर्तन कर रहे सन ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ